ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और बात कर रहे हैं हम पहले बिहार की उस सियासत की बात की जिसको लेकर के नई करवट और करवट के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार एनडीए के खेमे में। लालू और तेजस्वी ने जमकर विरोध किया है उनके इस कदम का। खैर चले, लेकिन तय था कि नीतीश कुमार जाएंगे। बहाना था लालू परिवार पर लगे करप्शन के आरोप। चलिए बड़े मुद्दे को लेकर के यहां भी बात भ्रष्टाचार की है। पनामा गेट को लेकर के किसी से छिपा नहीं है कि मामला क्या था, किस तरह से सामने आया, 2013 में किस तरह से चीजें सामने आई जिसके अंदर न केवल नवाज शरीफ, कई मुल्कों के शासनाध्यक्ष और पूंजीपति लोगों के नाम उसमें आए। पनामा की पूरी अगर इकोनॉमी की बात करें तो वहीं ये सब उन पैसों से चलती है जो टैक्स हेवन के नाम से लोग अपने पूंजी को वहां लगाते हैं। चलिए पनामा केस और नवाज शरीफ की मुश्किलें और तमाम चीजों को लेकर के जन टीवी की नजर से आप देखें और उसके बाद हम लौटेंगे और क्या असर पड़ेगा भारत की राजनीति पर, विदेश नीति पर, पाकिस्तान के इस अस्थिरता का। जरा देखिए एक पूरी एक किस तरह का घटनाक्रम क्या रहा, कैसे मुश्किलें बढ़ रही हैं जन टीवी की नजर से। पनामा गेट मामले में आखिरकार फैसला आते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपनी कुर्सी खोनी पड़ी। इसके बाद पाकिस्तान में ये सवाल उठने लगा कि कौन सत्ता संभालेगा। पाकिस्तान अक्सर राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है, इसलिए ये सवाल और भी गंभीर हो जाता है। नवाज शरीफ के इस्तीफे के बाद पाकिस्तान में अगला प्रधानमंत्री चुन पाना आसान नहीं है, लेकिन माना जा रहा है नवाज उनके भाई शहबाज शरीफ का नाम इसके लिए आगे करेंगे। नवाज शरीफ की पार्टी अभी भी शरीफ परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। अगर परिवार के बाहर पार्टी का कोई दूसरा नेता चुना जाता है तो उसके सामने बड़ी चुनौती पूरी पार्टी को एक साथ रख पाने की होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में पार्टी में बिखराव आ सकता है। पाकिस्तान में इस कार्रवाई का असर भारत के पनामा पेपर्स के आरोपियों पर भी पड़ेगा। उनमें से 450 को कानूनी नोटिस भी भेजा जा चुका है और जवाब तलब किए गए हैं। भारत में इस मामले में CBDT के तहत जांच हो रही है जिसकी सीधी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को दी जाती है। भारत के भी कई नामी गिरामी लोग इस पनामा पेपर्स मामले में उलझे हुए हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या पाकिस्तान की तरह यहाँ भी बड़ी मछलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनटीवी। तो पूरे घटनाक्रम को आपने देखा। यूं तो देखिए शरीफ परिवार पर आरोप लगाने को नई बात नहीं है, 1990 में भी इसी तरह से उन पर आरोप लगे थे। शरीफ पंजाब में पहले दो बार मुख्यमंत्री रहे, 1997 में पहली मर्तबा वो प्रधानमंत्री बने और उसके बाद में 99 में और फिर बने जो ये भी उनका कार्यकाल है, लेकिन बीच में ही फिर एक बार 2017 में जाना पड़ा। पहले भी नहीं इसी तरह से इस्तीफे देने पड़े थे, लेकिन वहां पे जब भी कोई लोकतांत्रिक चुनी मजबूत सरकार स्थिर होती है तो सेना और कट्टरपंथियों का वर्चस्व बढ़ना शुरू हो जाता है और यही हिंदुस्तान या दूसरे मुल्क को उनके लिए उचित नहीं है, ना विदेश नीति के लिए और ना ही किसी दूसरे मुल्क की शांति के लिए। निगाहें टिकी हुई हैं पूरी दुनिया की कि पाकिस्तान में अगला कदम क्या होगा। यूं 2018 में वहां पे आम चुनाव ड्यू है, लेकिन वहां हमेशा एक पैरेलल जो गवर्नमेंट चलती है वो सेना की चलती है। वहां की विदेश नीति सेना तय करती है, सुरक्षा के मामला सेना तय करती है। चुने हुए जो लोकतंत्र के हुक्मरान हैं वो काफी हद तक सेना के दबाव में काम करते हैं। चले हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं राजेंद्र शर्मा साहब, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं महेश शर्मा जी हैं और कपिल आनंद साहब जुड़े हुए हैं जो विदेश मामलों से जुड़े हुए हैं। महेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस्तीफा बेशक पाकिस्तान में हुआ हो लेकिन हिंदुस्तान में भी उसके छींटे आते हैं। भारत की राजनीति और विदेश नीति काफी प्रभावित होती है पाकिस्तान के घटनाक्रम से, क्योंकि सीमा पर इस वक्त तनाव के हालात हैं। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर के कई षड्यंत्र रचने और साजिश रचने की कोशिश भी कर रहा है। मुल्क शांति चाहता है लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर पड़ सकता है। क्या माना जाए कि नवाज शरीफ एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें माना जाता था, लेकिन वो रिजाइन कर चुके हैं। जब उन्हें पनामा पेपर्स मामले में दोषी करार दिया गया तो उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया और इसी के साथ उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। भारत की राजनीति पे और विदेश नीति पे कुछ असर पड़ेगा इसका?
निश्चित रूप से भारत पर राजनीतिक और विदेश नीति के तहत इस पर काफी प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर पाकिस्तान में जब लोकतंत्र की कमजोर होता है जी, जब जब भी हुआ है तब तक सेना और आईएसआई जो है वहां पे प्रभावशाली मतलब अपने सत्ता में मतलब पकड़ उसने मजबूत की है। वर्तमान में जैसे हालत, जब तक ये नवाज शरीफ थे तब तक तो ये है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बातचीत वगैरह एक औपचारिक मतलब क्या होता है जिस तरह से बातें होती रही चलती रही है, लेकिन अब इसके आड़ में कई संभावना है। संभावना एक ये भी है कि हालात तो खराब होंगे ही, इसमें कोई राय नहीं, वहां अनिश्चितता का माहौल बन गया, अस्थिरता का भी माहौल बना है पाकिस्तान में। ऐसी सूरत में इसका लाभ आईएसआई और जो है सेना उठाएगी, लेकिन उसको लाभ के लिए वो भारत में मतलब क्या कहता है ना किसी न किसी रूप में वो आपके जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर उसमें हस्तक्षेप करेंगे और दबाव और आतंकवादी भेजने की कोशिश करेंगे। तो ये भारत तो जहां इस मामले में थोड़ा सा यूं भी मतलब प्रभाव में आएगा, लेकिन एक ये बात के चलिएगा कि इससे पनामा का जो है जो पेपर लीक जो मामला है निश्चित रूप से वहां का जो राजनीतिक प्रभाव पड़ा तो यहाँ पे जो पनामा के मामले में कुछ भारतीय लोग उद्योगपति भी हैं, कुछ राजनेता भी हैं, उन सबको मतलब क्या कहते हैं ना एक बार नैतिकता के आधार पर उनको जांच के दायरे में आना पड़ेगा। और ये भी एक तहलका यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में तहलका मचा ऐसा यहाँ पे भी तहलका मच सकता है, लेकिन ये एक स्थिति ये है कि भारत को अपनी क्योंकि सेना वहां पे एकदम कमांड में आ जाएगी तो ऐसे अभी तक तो ये पर्दे के पीछे थे लेकिन अब ये खुल के सामने आएंगे तो ऐसी सूरत में हमारे रक्षा बलों पर बहुत ज्यादा प्रभाव दबाव पड़ेगा क्योंकि उसे सेना के सेना कोशिश ये करेगी इशू को और ज्यादा मतलब बढ़ गए। चलिए मैं आपके पास में आऊंगा, कपिल आनंद जी हमारे साथ में। कपिल साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में थोड़ा सा एक स्थिरता का जो दौर चल रहा था, नवाज शरीफ जब से बने एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में, हालांकि कट्टरपंथियों या फिर सेना के आगे उनकी बहुत ज्यादा चल नहीं पा रही थी, लेकिन एक मैसेज था कि कम से कम आर्मी से बेहतर वो इस वक्त शासन चला रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक बात और कहना चाहूंगा आपको कि पाकिस्तान के नए वजीर आजम के रूप में अब नवाज शरीफ के भाई शाहबाज खान, अब शाहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उनके नाम पर मोहर लग गई है। और क्या लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में 2018 उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी और नवाज शरीफ पे जो आरोप लगे हैं उनको किस तरह से जनता के बीच उनका जवाब दे पाएंगे एक बड़ी चुनौती होगी। चलिए कपिल साहब मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं, मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह का असर पड़ सकता है भारत की राजनीति और विदेश नीति पर। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा आप सब लोगों को इस चैनल के माध्यम से कि 70 साल के इतिहास के अंदर जितनी बार भी पाकिस्तान के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री चुने गए हैं उनमें आज तक कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जिसने अपने कार्यकाल को पूरा किया हो। और मैं बात कर रहा हूं नवाज शरीफ जी की, इन्होंने भी 3 बार ये प्रधानमंत्री रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली 3 बार ही ये अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये 70 साल में चाहे डेमोक्रेसी 20 साल 25 साल रही हो लेकिन कहीं ना कहीं आर्मी का जो प्रभाव है वो पूरी तरीके से शासन के ऊपर नजर आया है। कहीं पर भी आप देखें, कहीं किसी भी चीज के ऊपर आप देखें, जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो सेना से जो है प्रभावित रहे हैं और सेना ने अपनी जो भूमिका है वो बखूबी निभाई है। और ये जो 2018 के अंदर चुनाव होने वाले हैं, 1 साल का जो ये समय है, ये जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किसी भी समय कभी भी जो सेना है वो तख्ता पलट करने में महत्वपूर्ण होती है। और एक चीज मैं यहां कहना चाहूंगा कि राजनीतिक अस्थिरता हो या सेना का शासन हो, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत होती हैं। लोकतंत्र में चाहे शासन कमजोर भी क्यों नहीं हो लेकिन लोकतंत्र के अंदर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है। लोकतंत्र के अंदर दूसरे देशों के साथ जो संबंध है वो सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बनाए जाने की जो है पहल रहती है कुछ भी हो। और इसलिए ये जो 1 साल का जो समय है ये देखना पड़ेगा कि कह नहीं सकते कि अभी जैसी चर्चा चल रही है कि नवाज शरीफ के जो भाई हैं
उनको वहां का जो प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अभी हमें समय पे देखना पड़ेगा कि आने वाला जो समय है एक दो दिन या कल या रात तक क्या सिचुएशन बनती है। सेना वहां पर बहुत पावरफुल है और सेना जो है हमेशा हर मामले को लेकर जो है वो पहल करती रहती है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, राजेंद्र जी उस वक्त हमारे साथ में है। राजेंद्र जी, दो बातें हैं इस वक्त। सेना अपनी ओर से काफी मुस्तैदी के साथ में सीज फायर के उल्लंघन की बात हो या घुसपैठियों को धूल चटाने की बात हो, उन्हें मार गिराने की बात हो, सेना इधर से घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमारी पहल है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना काम कर सके, हम हमारी सीमाओं के साथ में हमारा काम कर सके, उन्हें सिक्योर कर सके। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से जब भी कोई एग्रीमेंट भी हुआ है तो उसके बाद भी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। कारगिल जिसका एक बड़ा जीता जागता उदाहरण है, उससे पहले की भी स्थितियां इसी तरह की बनती रही हैं। वहां की सेना और कट्टरपंथी कभी नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के साथ में दोनों मुल्कों का एक दोस्ताना संबंध बने, एक भाईचारा और सद्भाव की स्थितियां बने, क्योंकि उनकी राजनीति इसी में बरकरार रहती है। और सेना हमेशा या तो वो अब तक के युद्ध में जो हार हुई है उसे पचा नहीं पाती है, कोई ना कोई ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान के साथ हमेशा पटाखे फोड़ने यानी कि सीज फायर के उल्लंघन में बड़ा आनंद आता है। अभी जो स्थिरता का दौर बना है वहां पे पनामा गेट के बाद में, तो क्या आपको लगता है कि जो सौहार्द या फिर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि शायद हो सकता है कि दोनों मुल्कों के बीच ठीक से संबंध बन सके, उनको तो मुझे लगता है कि एक पैगाम देने की बजाय सेना कुछ अपना एक नया पैतरा फेंक सकती है। जैसे कपिल साहब कह रहे हैं कि दो तीन दिन हमें वेट करना पड़ेगा, इसका इंपैक्ट जो आएगा वही वहां की दिशा हो सकती है। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक मेरा सोचना है, बड़ी स्पष्ट बात यह कि अब सेना भारत के खिलाफ कुछ करने से हिचकिचाएगी। उसका प्रयास ये होगा कि वो सत्ता के उधर जो सत्ता है वहां की उसके ऊपर अपना दबाव बनाए, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो पनामा पेपर्स के भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हैं, उनके भाई को सत्ता जा रही है, इसलिए निश्चित रूप से जो उनके भाई सत्ता संभालेंगे यदि वो संभालते हैं, जैसे कि अब स्थितियां आती है उसके बाद में, तो यदि वो सत्ता संभालते हैं तो उनको किसी भी तरह से सेना ताकतवर नहीं होने देने की, और उनको वहीं पर आंतरिक रूप से उलझा करके इस तरह की स्थितियों में रखेगी कि वो दूसरी चीजों पे सेना ध्यान नहीं दे पाएगी। सेना दूसरी चीजों को छोड़ करके सत्ता के ऊपर काबिज होने का प्रयास करेगी या सत्ता को अपनी कठपुतली बनाने का प्रयास करेगी। पर इसका जो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होगा हिंदुस्तान को, खासतौर से हमारे देश को और खासतौर से कश्मीर के अंदर, कि जो अलगाववादी ताकतें हैं वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएगी, और बहुत ज्यादा सक्रिय होकर के वो हमारे जो कश्मीर वाला इलाका है इसके अंदर अपने जो है अपना जो दुष्प्रभाव है, या जिस तरह की जो आए दिन की घुसपैठ करने की या दूसरी गतिविधियां करने की कोशिश करेगी। पर इससे एक फायदे वाली बात यह हो सकती है कि देखिए, इस टाइम पे हमारी सेना काफी सतर्क, काफी सजग, और उसको काफी कुछ पावरफुल बनाया गया है, इसलिए अलगाववादी ताकतों को यदि अंकुश लगानी है, यदि पाकिस्तान की जो अलगाववादी ताकतें हैं उनको हमारे घुसपैठ से रोकने के लिए या कश्मीर के अंदर हम अच्छी स्थिति लाने के प्रयास करना चाहें, इच्छा शक्ति होती है, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा अवसर होगा कि हम वहां पर अपनी पूरी सेना की ताकत को झोंक दें और अलगाववादी ताकतों के खिलाफ लग जुट जाएं। मेरा यह मानना है। चलिए चलिए महेश जी, अभी आपने सुना कि सेना वहां प्रेशर डालने की कोशिश करेगी, तख्ता पलट की भी कोशिशें की जा सकती हैं, सत्ता हथियाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वहां चुनी हुई सरकार काफी मजबूत स्थिति में होती है, हालांकि उन्हें कट्टरपंथियों की भाषा कई बार बोलनी पड़ती है, लेकिन चुनी हुई सरकार का देखिए अपना एक अलग रूट मैप होता है जिससे वो काम करती है, और सेना का तो एक ही मकसद होता है कि किसी भी तरह से हिंदुस्तान के अंदर जाके अशांति पैदा करना, वहां के सीज फायर के उल्लंघन की बात हो चाहे घुसपैठ की बात हो। और नवाज शरीफ, जब आपको ध्यान होगा कि जब मुशर्रफ वहां पे थे, परवेज मुशर्रफ वहां पे तख्ता पलट करके राष्ट्रपति वहां पे बने थे, उस वक्त की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, कारगिल उसी का एक परिणाम रहा है। सेना की, पाकिस्तानी सेना का हमेशा ही भारत विरोधी रुख रहा है जी। ऐसी सूरत में सेना वहां लोकप्रिय, आप ये मतलब ये कि इससे पहले की बात बता लूं थोड़ा सा, राहिल शरीफ जब सेना अध्यक्ष थे वहां के, उस दौरान क्या हो रहा था, नवाज शरीफ के मौके के मतलब राज में ही
उस दौरान मतलब राहिल शरीफ की जिस से पोस्टरबाजी हुई थी, उनको आह्वान किया गया था जनता ने कि साहब वो आए और मतलब सत्ता को संभाले कि पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो रही है। तो ये जो है उसकी मुहिम का है कि एक छोटा सा वो झलक थी, लेकिन उन राहिल शरीफ इतने खुल के नहीं आए। लेकिन अब जो है वातावरण है सेना के लिए उपयुक्त, तो इसलिए बन रहा है कि या तो सेना अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को बनाने के लिए, वो हो सकता है कि वो किसी एक कठपुतले प्रधानमंत्री के रूप में एक साल का समय निकाले और इस दौरान वो अपना ध्यान उधर डाइवर्ट करे। लेकिन उसका मुख्य मतलब जब भी मतलब उनको सेना को अपना शासन मजबूत करना होता है या तख्ता पलट करना होता है तो वो एकदम कश्मीर का राग अपनाते हैं और ये मतलब क्या कहते हैं प्रेशर हमारे कश्मीर पे भारत पे आता है। ऐसी सूरत में मतलब हमारे सुरक्षा बलों को तो बहुत सचेत रहने की, जो अभी तक जितने थे सब मुस्तैद, उससे ज्यादा और मुस्तैदी करनी पड़ेगी क्योंकि अब पाकिस्तान की सेना खुल के सामने आएगी क्योंकि उसे अपना प्रभुत्व बताने की कोशिश करनी होगी कि लोकतंत्र विफल रहा है कि इसमें ये भ्रष्टाचार हो जाता है, ये हो जाता है, सेना की मतलब क्या कहता ना भूमिका अब बढ़ जाती है क्योंकि वहां पे सेना का अप्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या कहता ना सत्ता पे भागीदारी, उस पर भागीदारी और उस पर सवाल भी नहीं उठाया जाता है। सबसे बड़ी वहां के जो वहां के संविधान में ये बात बिल्कुल उल्लेखित है कि सेना के किए हुए कार्यों पे कोई आंख मतलब उंगली नहीं उठाई जाएगी, चाहे वो सत्ता में रहे सत्ता से दूर रहे। अब उसी का कारण है कि हमारे कुलदीप यादव को है उन्होंने सजा दी है, उस सजा मौत की सजा देने वाला कौन है, वहां की सैनिक अदालत है तो सर्वोच्च है, उसके फैसले को चुनौती तो दी जा सकती है लेकिन वो हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले दूसरे होते हैं। तो ये वाली बात एक हमारे लिए एक हमारे सुरक्षा बलों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण और चेतावनी वाली बात है, वो सचेत रहे, इसका प्रभाव निश्चित रूप से गया और हमारे यहाँ पे भी अब ये इसकी मांग पनामा जो है जो पेपर लीक वाले मामले को मतलब क्या होता है कुछ जो जो है इसकी इंक्वायरी भी जल्दी से होने वाली है। बिल्कुल, तो चलिए पाकिस्तान की 5 सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले में अयोग्य करार दिया नवाज शरीफ को, एक साथ एक सुर में 5 जजों ने यह फैसला सुनाया। हम आपको बता दें कि 2013 में पनामा गेट सामने आया और उसके बाद से ही मुश्किलें बढ़ती जा रही थी नवाज शरीफ की, उनके परिवार को लेकर के 1990 से उंगलियां उठ रही थी कि लंदन में उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है और उनके शान शौकत उनके परिवार के लोगों का रहन सहन ये किसी से छिपा नहीं था, यही बड़ी वजह रही कि उन पे उंगलियां उठी। 2013 में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने इसी तरह से इसका खुलासा किया था जिसमें आइसलैंड के प्रधानमंत्री ने तो उसी वक्त इस्तीफा भी दे दिया था। हम आपको बता दें कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाला पनामा एक टैक्स हेवन के नाम से भी जाना जाता है, ना केवल पाकिस्तान कई मुल्कों के लोगों के वहां पैसे हैं, नेता हो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो या फिर जाने माने बिजनेसमैन हो, पनामा पेपर्स की आग कई जगह कई मुल्कों में फैलेगी। और जब नवाज शरीफ का इस्तीफा हुआ है उसके बाद से मुझे लगता है कि उन मुल्कों में भी इसका एक दबाव बनेगा। चले मैं कपिल साहब आपके पास में एक बार फिर लौटना चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा कि जिन मुल्कों के नेता या उद्योगपतियों के नाम पनामा गेट में हैं, क्या लगता है कि नवाज शरीफ के रिजाइन करने और उन्हें अयोग्य करार दिए जाने के बाद अब उन पर प्रेशर पड़ सकता है? बिल्कुल, असर तो बिल्कुल पड़ता ही है और ये कोई छोटा मामला नहीं है, छुपने वाला मामला नहीं है, ये इसकी जो आग है ये सब जगह फैलेगी। जो लोग इससे प्रभावित हैं, जो लोग इसके अंदर जुड़े हुए जो लोग हैं, उन सब लोगों को जो है कभी ना कभी जो है वो सजा उनको मिलेगी, उन्होंने जो काम किया है वो उनको भुगतना ही पड़ेगा। जी चलिए शीलदा भाई जिस वक्त हमारे साथ में है भाजपा, देखिए योगेंद्र जी मैं एक मिनट लेता हूँ इसमें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट जी। जिस बात को मोदी सरकार जो केंद्र में आई है उसने काले धन की सबसे बड़ी बात कही थी कि हमारे विदेशी बैंकों में जाता बिल्कुल, है पैसा। बिल्कुल बिल्कुल, तो जितने नेताओं के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स और उद्यमियों के जा रहे हैं तो ये निश्चित रूप से एक नया मोदी सरकार के लिए एक सर पर ये पॉइंट पनामा पेपर लीक में मामले में जो भी आ रहे हैं जो भी गिर रहे हैं उनको उजागर करने में उनके लिए और मतलब सत्ता पे पकड़ मजबूत बनेगी इस मामले को लेकर। चलिए शीलदा भाई जी मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि ब्लैक मनी विदेश में जमा धन को वापस लाने की बात की जा रही है, कुछ लोगों पर हमारे यहाँ के जो है उन पे भी उनके दामन पे भी इसके छींटे हैं,
नवाज शरीफ को अयोग्य करार दिए जाने के बाद और उनका इस्तीफा होता है, उससे मुझे लगता है कि काफी प्रेशर रहेगा सरकार पे भी, उन लोगों को कटघरे में खड़ा करे, अगर नहीं भी हैं या कहीं पे कोई नाम अगर किसी एजेंसी के माध्यम से आते हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाई जानी चाहिए। जी शील जी, बिल्कुल योगेश जी आप सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति उनका रहा है। पहले भी भ्रष्टाचार के जो नाम आए हैं उनको पकड़ा भी है और जो यहाँ की जो इंटेलिजेंस है वो लगी हुई है। अभी आप देख लीजिए कितने कितने लोगों को, बड़े बड़े लोगों के घरों पर छापामारी की गई है और नोटबंदी भी एक करप्शन के दिशा में एक प्रयास था जो बहुत सफल हुआ है। और आप ये देखिए कि इनके जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छोड़ी उसका प्रभाव पड़ोसी देशों तक में कितना पड़ा है, जिसका आप सामने देख रहे हैं कि उसी के तहत वहां की जनता ने भी भ्रष्टाचार में जो ये नवाज शरीफ है इनको इस्तीफा तक देना पड़ा है। कोर्ट ने ये आदेश सुनाया, उन पर करप्शन का चार्ज लगा और उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये एक देश के लिए नहीं पर विदेशों में भी ये मैसेज, एक जो आवाज उठाई है उसका रेस्पॉन्स सामने आ रहा है। और देश में भी मैं कहना चाहती हूं कि देश में भी जितने भ्रष्टाचार है उन पर निश्चित तौर पर लगाम लगेगा। और आप देखिए बिहार की सरकार भी भ्रष्टाचार के मामले की वजह से ही गिरी है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तो सरकार बनाई है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? हम मेरे ख्याल में पटना से बाहर जाकर के फिलहाल तो हम पाकिस्तान और विदेश राजनीति पे रहे हैं। अभी मेरे ख्याल में हम नीतीश को ज्यादा तंग नहीं करना चाहेंगे। लालू, नीतीश, तेजस्वी, सुशील मोदी, इन सबको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। फिलहाल तो हम विदेश नीति को लेकर के हमें एक चिंता या फिर एक जैसे भी हालात उस पर चर्चा करनी चाहिए। एक बार राजेंद्र जी मैं आपसे आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए दो बातें हैं यहाँ पे, जिन मुल्कों के लोगों के नाम पनामा गेट में आ रहे हैं, क्या लगता है कि नवाज शरीफ को अयोग्य घोषित करार दिए जाने के बाद में चाहे किसी मुल्क का वजीर आजम हो या फिर कोई दूसरे लोगों, अब एक प्रेशर पड़ेगा वहां पे? देखिए प्रेशर तो पड़ेगा, पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जबकि पनामा पेपर्स वाला जो मामला है वो 2013-14 के आसपास से सामने आया जी, और उसके बाद 2017 के अंदर जाकर के नवाज शरीफ के खिलाफ में डिसीजन आया है। तो पिछले 3 साल से कुछ इस तरह की चीजें चल रही थी और ये जो पनामा पेपर्स में जो इंडिया के लोग भी जो इन्वॉल्व हैं उनके कईयों के नाम कई बार उजागर हुए हैं, कई बार उनकी चर्चा आई है कि साहब इतने लोग हैं, ये है वो चीजें। पर दूसरे तरीके से आप इसको देखिए कि इसके ऊपर जो उसका जो एकाएक कोई, मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि साहब तुरंत प्रभाव से कोई ऐसा कुछ होगा कि साहब यहां पर भी कुछ तुरंत किसी को पनिशमेंट कर दिया जाएगा और कुछ कर दिया जाएगा, क्योंकि चीजें पहले ही जो ईडी है हमारा जी, और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स इन चीजों को देख रहे हैं, भ्रष्टाचार और इस तरह की गतिविधियों को देख रहे हैं, वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे पहले से ही कुछ कर रहे हैं। पर उसका परिणाम मैं नहीं कहता, मैं नहीं सोचता कि तुरंत आएगा, उसमें टाइम लगेगा अभी, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति आती तो 2013-14 के अंदर जब ये चीज आ गई थी, उभर करके आ गई थी, सामने आ गए थे पनामा पेपर्स लीक वाला मामला जब उजागर हुआ। राजेंद्र जी मैं रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। राजेंद्र जी मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। तो हम बात कर रहे थे बिहार की सियासत और पाकिस्तान की बदलती राजनीतिक स्थिति की। वहां पनामा गेट मामले में नवाज शरीफ को इस्तीफा देना पड़ा, 5 जजों के पैनल ने उन्हें एक सुर में अयोग्य करार दिया गया और वहां के बाद वहां की स्थितियां बनी हैं। लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि वहां अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, और जैसे कि चर्चा है कि नए वजीर आजम शहबाज शरीफ यानी कि उनके भाई बनाने की पहल हो गई है और उन्हें ये इस पर मुहर भी लगा दी है। लेकिन आने वाला वक्त भारत सहित उन मुल्कों पर भी इसका असर पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चले खास खबर में बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।